तो नमस्कार जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई के इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए हम लेकर आए हैं रीजनिंग का बेहतरीन सेशन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का जो सेट है ये है सेट नंबर 3। तो बच्चों, जैसा कि हम कहते हैं, जो हम लोग का पूरा टारगेट है 25x25, उस टारगेट को पूरा करना होगा और जल्दी से चलेंगे बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो अब देना होगा इस क्वेश्चन का जवाब। आज फिर से बोल रहे हैं सर, दंगल में 25x25 के दंगल में आप लोगों को बेहतरीन वाला आंसर देना होगा। ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन और आप लोगों को बताना होगा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम इज स्टार्ट, ठीक है, टाइम केवल 30 सेकेंड, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। एक बार सभी बच्चे भी कमेंट कर दे क्या आप लोग, ठीक भाई, कमेंट नहीं करना है, सभी बच्चे आ गए। राजा बाबू जय हिंद सर। तो सभी साथियों जल्दी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का बेहतरीन वाला आंसर देना होगा। एक बार सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और जल्दी से इस क्वेश्चन का बेहतरीन वाला आंसर देंगे। बताइए आंसर क्या आएगा। टाइम इज ओवर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। कितने बच्चों ने सही जवाब दिया अभी तक, किसी बच्चों ने? राजा बाबू, कितना बढ़िया नाम है सर, मेरा नाम ले लीजिए, बिल्कुल भाई राजा बाबू। अच्छा देखिए, आंसर किसी का नहीं है, मेरी एक बात सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा तभी आप लोग आंसर देंगे। एक बात बताइए, क्या आप लोगों को यहां पे आसान नहीं लगता है? सर क्या आसान लगता है, अरे हम बता रहे जो चीज कहे आप उसको आसान मान लो। सर अगर 19×57 सर बहुत इजी है, बोलो है कि नहीं। और सर मालूम है अगर इसका दुगना कर दोगे तो 3×2=6 आ रहा है। हम ये समझाना चाहते हैं सर, अगर आप इसमें भाग, अगर इसमें भाई डिवाइड करोगे 19×57, 3×2=6, अगर हम यहां पे करें तो सर ये तो 12×7=84 होता है, लेकिन 12×2=24 सर ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसमें डिवाइड करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, 18×7=126 होगा और 7×2=14 गड़बड़ होगा। सर अगर आप लोग 6 का भाग 114 में दोगे और इसका दुगना करोगे तो भी सर गलत होगा। अब सुनिएगा सर यहां पे क्या आएगा, अब अगर हम यहां पे 96 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आप सब लोगों को पता है 14 बार जगह 14×7, अरे नहीं नहीं 8 का डिवाइड करो भाई, तो जब 12×98 12 बार में कटेगा। अगर 96 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 12×98 होता है, यानी ये 12 बार में जाएगा। और जब इसका दुगना करेंगे 12 का, देखो भाई डिवाइड करने पर 12, अगर दुगना कर देंगे तो 12×2=24, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब यह है पहले आप लोग डिवाइड कर दोगे और जो आएगा उसका दुगना कर दोगे, डायरेक्टली आप लोग का इस सेट से मैच कर जाएगा। तो कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का बढ़िया वाला आंसर दिया है भाई, अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का बिल्कुल धमाकेदार आप लोग को आंसर देना होगा। अच्छा एक बार तो आप लोग पढ़ो क्वेश्चन, तो आप लोग पढ़िए और बताइएगा आंसर क्या आएगा। एक बार आप लोग सही से क्वेश्चन तो पढ़िएगा। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बहुत इजी है, हम बिल्कुल साइड हो जा रहे हैं, जवाब आप लोग दीजिए, बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। कुणाल बहुत अच्छी बात है भाई, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, टाइम इज ओवर, वाह क्या बात है। अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा सभी स्टूडेंटों को, हमारी एक छोटी सी बात ध्यान देनी है। देखो क्या पूछा गया है कथन, ये देखो भाई प्रश्न ये है ना कि रसोई घर में जो आप लोग का किचन है उसमें जो ग्रेनाइट लगा है उसका रंग क्या है, जो किचन में ग्रेनाइट लगा है ना, प्रश्न ये है कि रसोई घर में जो ग्रेनाइट लगा हुआ है उसका रंग क्या है, ये प्रश्न है। अब देखो कथन पहला क्या बोल रहा, पहला कथन ये है ग्रेनाइट का रंग ही दीवार का रंग है। अरे भाई ग्रेनाइट का रंग ही दीवार का रंग है, लेकिन ना तो हमें ग्रेनाइट का रंग पता है ना ही दीवार का रंग पता है। अरे बोलो, तो सर ये तो इससे तो हम लोग जवाब इसका दे नहीं सकते हैं। पूछा गया किचन में ग्रेनाइट का कलर क्या है, ग्रेनाइट का रंग क्या है, तो कहा गया जो दीवार का रंग है वो ग्रेनाइट का रंग है, ना हमें दीवार का रंग पता है ना ग्रेनाइट का, तो जवाब तो दे नहीं सकते हैं। कहा गया है ग्रेनाइट का रंग काफी चमकदार है, अरे भैया ये तो बताओ रंग कैसा है, चमकदार बाद में छोड़ो, इससे भी हम जवाब नहीं दे सकते। यानी इस प्रश्न का आंसर दोनों कथनों से नहीं दिया जा सकता है। और देखो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं वाला,
तो सर यहां पे केवल दो पर्याप्त है, केवल दोनों एक दो नहीं, यहां पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डी क्या होगा, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। और कुछ बच्चों ने यहां पे बी बोला है गलत, कुणाल देवगन डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइएगा आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं सर हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, आप ही लोग को इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। बताइए इस क्वेश्चन का बेहतरीन वाला आंसर क्या रहा, एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन का बढ़िया सा जवाब देंगे। टाइम स्टार्ट, अब आप लोगों की टाइमिंग जो ये केवल 20 सेकंड का रहेगा, ये क्वेश्चन केवल 20 सेकंड का रहेगा मेरे प्यारे साथियों, टाइम इज ओवर। अच्छा देखो लॉजिक क्या लग रहा है, आप लोग बताओ लॉजिक क्या लगा, क्या कोई आंसर देगा एक बार आप तो बता दीजिए। आपने बोला सर नहीं, अच्छा देखो भाई अगर हम इसमें दुगना कर दे, अगर 6 का दुगना कर दे तो ये हो गया 12, और 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16। बिल्कुल सही सर, अगर हम एक काम करें अगर यहां पे दुगना कर दे तो 16 दूनी 32 और 4 जोड़ दे तो 36, अगर हम इसका दुगना कर दे तो 36 दूनी 72, 4 जोड़ दे 76, तो अगर 76 दूनी हम अगर कर दे दुगना तो ये कितना होगा आप लोग का 714, 152 और 4 जोड़ेंगे तो 156 आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो अगर बात समझ में आई हो तो, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे राइट आंसर केवल डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अब बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन है, मिस बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना होगा, पढ़िएगा समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेहतरीन वाला आंसर देंगे। बताइएगा ये जो शब्द दिया गया है ना, इसको पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख लो, थर्टी सेकेंड टाइम है और इस टाइम में आप लोगों को बेहतरीन वाला आंसर देना होगा। राजा बाबू जी ठीक है बच्चों, टाइम इज ओवर। अच्छा देखो क्या बोला गया है, एक छोटी सी बात समझनी है आप लोगों को, देखो क्या बोला गया है, जो ये वर्ड है ना यूनिवर्सल, आपने बोला यस सर, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम है कि जो यूनिवर्सल वर्ड है, अरे भाई कहां गया, जो ये आप लोगों का यूनिवर्सल वर्ड है इसको पहले लिख लो। हमने कहा बिल्कुल भाई लिख लेते हैं, तो अगर लिखेंगे इसको तो देखो भाई क्या आएगा, सबसे पहले हमने यूनिवर्सल लिख लिया, देखो भाई यहां पे लिखते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ठीक है भाई, यूनिवर्सल हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब कहा गया है कि जो ये वर्ड है ना, जो ये शब्द है, इसमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखिए, तो सब इसके नीचे सबसे पहले क्या आएगा बताओ भाई जल्दी से, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट करो। तो आपने बोला सर सबसे पहले ए आता है, ए के बाद ई आएगा, उसके बाद आई आएगा, आई के बाद देखो भाई पांच के बाद क्या आ रहा है, पांच के बाद नौ, नौ के बाद चौदह, चौदह के बाद भाई एक मिनट नहीं, चौदह नहीं पहले बारह आएगा, एक काम करो भाई इसको रेज कर देते हैं, यहां पर पहले बारह आएगा ठीक है। देखो भाई क्या आएगा, यहां पर नौ, नौ के बाद क्या आएगा आप लोग का बारह, बारह के बाद चौदह, चौदह के बाद ये अठारह, उन्नीस, यहां पे इक्कीस और बाईस। बच्चों देखो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, क्वेश्चन ये कह रहा है इस वर्ड को लिखो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, सारे अल्फाबेट लिख लो। अब देखो क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है इसके बाद जो इनके पद हैं उन पे नंबरिंग कर दो, इसको बोलो एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, ऐसा कर दो, हमने ऐसा कर दिया। फिर ये बोल रहा है, कह रहा कि इसके बाद सुनिएगा जितने भी आप लोग के व्यंजन है, नहीं जितने भी आप लोग के इसमें कंसोनेंट है, वॉवल्स की बात नहीं कर रहा, वॉवल्स को हटा दो, कह रहा केवल कंसोनेंट को अगर जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बड़े आराम से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, कंसोनेंट को जोड़ दो भाई, तो अगर आप लोग कंसोनेंट को जोड़ेंगे, देखो भाई क्या बोला गया, अगर कंसोन, अरे क्या हो गया ये, अगर हम लोग कंसोनेंट को जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा बच्चों, एक मिनट भाई, यहां पे वॉवल्स हटा दो, ये हटा दो, ये हट गया, उसके बाद आप लोग का ये हट गया, आप सबको जोड़ लो, छह चार दस, सात पांच बारह, तो दस बारह बाईस, बाईस में नौ जोड़ेंगे आएगा इकतीस, तो राइट आंसर 31 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितने बच्चों ने ये बोला, किसी भी बच्चों का आंसर ए नहीं आ रहा है, तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मेरे प्यारे साथियों अब देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप लॉजिक समझ गए तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, और नहीं समझ पाए तो ये आप लोग ही भूल होगी। तो एक काम कीजिएगा, सबसे पहला काम ये है कि आप ये बताइए लॉजिक क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में, सब स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से आंसर देंगे भाई, बिल्कुल बढ़िया वाला आंसर देना होगा आप लोगों, बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। हाँ भाई हम तो बिल्कुल साइड हटे हुए हैं,
बताओ बच्चों लॉजिक क्या लग रहा है, एक बार फटाक से देना होगा आंसर आप लोगों, बता दो भाई, टाइम इज ओवर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, अगर हम एक काम करें, मेरी बात सुनो भाई, यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक क्या लगा है जरा एक बार जल्दी से देखा जाए भाई। अगर हम लॉजिक की बात करते हैं, 9, 6, 15 यहां पर एक आ रहा है। देखो भाई अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें, मेरी बात सुन लीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या आप लोग जवाब नहीं दोगे? आज कोई जवाब ही नहीं दे रहा, ऐसी कौन सी बात है भाई? राजा बाबू बोल रहे ऑप्शन नंबर ए, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 1 7। अरे भाई इनको जोड़ दो तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। और अपनी तरफ से जब 2 जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा। देखो भाई हम ये समझाना चाहते हैं, देखो हम क्या समझाना चाहते हैं, बात ही नहीं सुन रहे हो आप लोग। देखो जो समझाना चाहते हैं ना हम, कुछ ऐसा समझाना चाहते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ लो तो 3, 2, 5 और अपने तरफ से 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 7। हम ये कहना चाहते हैं, सर बताओ एक्स्ट्रा कितना जोड़ा गया? 2। तो एक बात बताइए, किस संख्या में 2 जोड़ने पर 9 आएगा? सॉरी क्या जोड़े भाई? अच्छा ये तो हमको पता ही नहीं है, यहां पे तो हमें पता ही नहीं क्या जोड़ेगा, ये तो 9 हो गया, ये 7 हो गया, अच्छा 11 आएगा। किस संख्या में 2 जोड़ने पर 11 आएगा? तो बच्चों अगर आप 9 में 2 जोड़ दोगे तो 11 आएगा। तो एक बात बताइए, यहां पे जब 5 होगा तो इन दोनों का योग होगा 5, 4, 9, और 9 में जब अपनी तरफ से 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 11। लॉजिक उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी बिल्कुल बढ़िया वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पढ़िएगा और बिल्कुल बढ़िया जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ही देना है और हर हाल में देना है, ठीक है? बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, एक बार सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का बिल्कुल बढ़िया वाला आंसर देना होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? नीजर भारद्वाज, बहुत बढ़िया। कुणाल देवगन, बहुत लाजवाब, ठीक है भाई सब लोग करें। कुणाल हो गए, नीरज हो गए, राजा बाबू हो गए, जल्दी से आप लोग को जवाब देना होगा, ठीक है? बच्चों टाइम इज ओवर। अगर हम टाइम की बात करें, सफिशियंट टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कम टाइम दे रहे हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, एक छोटी सी बात यह सुनना है, सर सभी पार्टियां फंक्शन है, आपने बोला कथन क्या है? कथन यह बोल रहा है, बड़े गौर से सुनो और पढ़ो और देखो भाई क्या बोला गया है। सभी पार्टियां क्या है? तो जितनी भी, अरे जितनी भी पार्टी है ना, ये सभी की सभी पार्टी क्या है? सभी पार्टी फंक्शन है। सभी पार्टी क्या है? फंक्शन है। तो आपने बोला सभी पार्टी फंक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए हमारी बात, कह रहा है कि कुछ फंक्शन इंक्वायरी है, कुछ फंक्शन क्या होंगे, कुछ फंक्शन, अरे ये क्यों हैंग कर रहा भाई बोर्ड, बोर्ड क्यों हैंग कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ भाई, क्या बात है इतना हैंग कर रहा है। कहा गया है सभी पार्टियां फंक्शन है, तो सभी पार्टी क्या हो जाएगी? सभी पार्टी जो है ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है? सॉरी, सभी पार्टियां फंक्शन है, क्या लिखे पड़े हैं, सभी पार्टी क्या है? तो ये सारी की सारी पार्टी बच्चों फंक्शन हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, ये तो फंक्शन हो गई। अब देखो क्या बोला गया है, कुछ फंक्शन इंक्वायरी है, तो कुछ फंक्शन क्या होगा, ये इंक्वायरी हो जाएगी, ठीक है इंक्वायरी। अब देखिएगा, कुछ सर्विस फंक्शन है, कुछ सर्विस क्या होंगे, फंक्शन होंगे। तो बच्चों इसको हमने ऐसे बना दिया, कुछ सर्विस क्या है, फंक्शन है। अच्छा एक बात सुनो, क्या बोला गया निष्कर्ष में, कोई भी पार्टी इंक्वायरी नहीं कर रहा। अरे कोई भी पार्टी जो है इंक्वायरी नहीं कर रहा, तो सर ये तो डाउटफुल है, गलत होगा। अब सुनिएगा, सभी सर्विस इंक्वायरी है, क्या ये बात सही है? सभी सर्विस इंक्वायरी है, सर बिल्कुल नहीं, ये भी डाउटफुल, सर ये गलत होगा। तो सर ना तो पहला ना तो दूसरा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट या नाइदर सेकंड, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों ने डी दिया है, तो बहुत शानदार आंसर दिया है। अब देना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत बेहतरीन वाला आंसर है, क्वेश्चन है भाई हमारे सभी प्यारे साथी, एक बात कान खोल के सुन ले, जो ये क्वेश्चन है बहुत प्यारा वाला है। और एक बात जो हमने कल बताई थी कि सर आज के सेट में जितने क्वेश्चन है सब बहुत दमदार, यानी सभी बहुत लाजवाब हैं, तो लाजवाब तरीके से आप लोग को आंसर देना होगा। सभी बच्चे मॉक टेस्ट में कंटिन्यू जुड़े रहे, फिर देखें कि सर ने जो कल बात कही थी वास्तव में आज वो करके दिखाया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बहुत बढ़िया भाई, सुमित सिंह कुशवाहा डी। बच्चों टाइम, अरे टाइम कितना ज्यादा हो गया, एक बात बताइए कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने 7 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे रहे हैं भाई,
गौरव सैनी स्टूडियो, हेलो भाई, सुमन वर्मा, हेलो भाई। अब आप लोग ये बता दो आंसर क्या आ रहा है, बस हम आंसर की बात करें। रवीश कुमार बोल रहे हैं डी होगा, अच्छा ठीक है रवीश कुमार, और कोई आंसर बोलेगा? लॉजिक समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आइए हम आपको समझाते हैं। एक बात बताइए सर, बिल्कुल डायरेक्ट लॉजिक समझाएंगे, डी बराबर 8 तो 18 ना। देखो भाई क्या किया गया, बिल्कुल डायरेक्टली डब्ल्यू का डब्ल्यू 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 क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू का अपोजिट डी, देखो भाई डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, तो आपने बोला सर डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी, बात समझ में आ गई। ओ का अपोजिट होता है एल, आर का होता है आई और डी का होता है डब्ल्यू, इतनी बात तो सबको पता होगी। कुछ नहीं करना है, डी बराबर होता है 4, एल बराबर 12, आई बराबर 9, डब्ल्यू बराबर 23। मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है, उठा के दुगना कर दो तो 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18 और 23, तो यहां पर 23 दूनी 46। कुछ नहीं मत करो बच्चा, टी का अपोजिट जी, ई का अपोजिट वी, एक्स का होता है सी और टी का होता है जी, दुगना कर दो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। अब आप ही लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, 14 44 6 14, कहीं आंसर है 14 44 6 14 ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा राइट आंसर होगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए। कितने बच्चों ने आंसर दिया? बहुत शानदार, 7 का बी गलत है। जो बच्चे 7 का बी बोले ना, बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, दिमाग की बत्ती बिल्कुल जला लीजिएगा और बढ़िया वाला आंसर दे दीजिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन हम ये मानते हैं बहुत सारे बच्चों का जल्दीबाजी में गलत होगा, ऐसे नहीं गलत होगा, जल्दीबाजी में गलत होगा, इस बात को समझ लेना। तो जल्दीबाजी ऐसी करनी नहीं है, बताइए आंसर क्या आएगा। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी होगी, आप लोग को आंसर देना होगा। कनिष्क भारती ठीक है भाई, सिमी सिंह कुशवाहा सी, रवीश कुमार सी, बहुत बढ़िया शानदार भाई, जल्दी से आप लोगों को आंसर देना होगा, बताओ आंसर क्या आएगा। टाइम इज ओवर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक बात बताइए, क्या आंसर दे रहे हो, क्या ऑप्शन नंबर ए दे रहे हो, बी दे रहे हो, सी दे रहे हो, डी दे रहे हो, क्या दे रहे हो बताइए। तो नवीन बोल रहे हैं सर यहां पे जो होगा ये 4 होगा। अच्छा देखो भाई, अच्छा पहले क्वेश्चन का आंसर, रुक जाओ भाई, इसका आंसर जो होगा ना, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसको दे रहे होंगे गलत। गलत क्यों है आइए हम आपको बता रहे हैं। अच्छा ये जो डायग्राम है आप स्वयं देखो, ये कहीं दिखाई दे रहा है? अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं भाई, ठीक है, तो आप कह रहे हो सर ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है आप खुद देखो सर, ये तो ऐसे बना है ना, और ऐसे तो है नहीं सर, ऊपर थोड़ा कम, नीचे लंबी वाली लाइन है। ये केवल एक लौता डायग्राम ये यहां पे बना है व्हाइट वाला, सर ये देखो व्हाइट वाला, ये देखो ये डायग्राम और ये देखो ये डायग्राम। तो हमारे प्यारे साथी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, और 4 का मतलब हो जाएगा बी होगा। और जो बच्चे यहां पे ये जवाब दे रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 3, तो ये बिल्कुल ही गलत है, राइट आंसर केवल चौथा होगा। और जिन बच्चों ने चौथा आंसर दिया बहुत शानदार दिया है। अब चलना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब बताइएगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। अब तय आप लोगों को करना है कि सर इस दंगल में, इस युद्ध में आप लोग जीतना है कि हारना है। तो सभी बच्चे एक बार इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन बेहतरीन है तो आंसर भी बेहतरीन होना चाहिए। करिए, हां भाई बिल्कुल बताइए, बहुत शानदार, गजब और लाजवाब बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर इस क्वेश्चन, एक बार आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरी बात मानो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप लोग इसका आंसर दे पाओगे? रियलिटी बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, हम कह रहे हैं 99% ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक, इसमें से 1% बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो बताइए वो कौन है भाई। रवीश कुमार बोल रहे हैं बी होगा, ठीक है भाई हमें पता था, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर नहीं देंगे। मिथुन बोल रहे हैं 16 प्लस 9, अरे वाह मिथुन घोष आप 1% में आते हो, ये 1% वाले बच्चे जिन्होंने, मिथुन घोष ने आंसर दिया बहुत बढ़िया। अच्छा इसका ट्रिक सुनो क्या दिया गया, ट्रिक ये है ना, अगर हम इसका रूट कर दे तो यहां पे 5 आएगा, अगर रूट ले ले तो सर ये 7 आएगा, और 7 5 12। आपने कहा रे सर ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम में हर टाइप को घुमा के पूछ सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम
इसका रूट लें तो सर ये 81 9 का होता है और 256 16 का होता है और 16 और 9 होता है 25। और मिथुन घोष ने बिल्कुल एक्सप्लेन करके बहुत बढ़िया आंसर दिया है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत शानदार गजब आंसर मिला है इस क्वेश्चन का। अब देना होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब ये मत कहिएगा कि नहीं सर हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, आप ही लोग से पूछना है और आप ही लोग को आंसर देना है। कुछ बच्चे कहते थे सर नंबरिंग नहीं करते हो, अब तो हम नंबरिंग करके ला रहे हैं। अब शर्त यह है कि आप लोग कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बताओ भाई। जय श्री राम भाई, ठीक है। नवीन कुमार शर्मा बहुत बढ़िया, सभी का रूट ठीक है भाई। कनिष्क भारती शी बहुत शानदार, बिल्कुल हम भी हट गए। टाइमिंग जो है, अरे टाइमिंग नीचे हुई है, बताइएगा क्या क्या आंसर आ रहा है बोलो भाई। बिल्कुल साइड में है, टाइम इज ओवर। केवल सर 20 सेकंड का क्वेश्चन था। देखो भाई जब घड़ी में 8 बजाओ तो मिनट और घंटे की सुई का बीच का कोण कितना, कितनी बार बता चुके फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर फॉर्मूला एक बार जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे। क्या आप लोग भूल तो नहीं गए हो? आप लोग बोलोगे हाँ सर भूल गए, भूलना बिल्कुल पाप है। देखो भाई यहाँ पे फॉर्मूला होता है 30H माइनस का 11/2m। क्या हमारी इतनी बात समझ में आ रही है? और आपको पता है आवर के स्थान पे एच के स्थान पे क्या रखोगे, घंटा यानी 8 हो जाएगा। और मिनट कितना है 30, तो 30 रख दो, कटिंग कर दो यहाँ पे भाई 8 तारीख 24, 240 हो गया, काटोगे 15 और यहां पर कितना आएगा भाई 15 दाम 150 165, अगर घटा दोगे तो आ जाएगा 75 डिग्री। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आप लोग भी ऑप्शन बी को टिक कर रहे हो? सही बताना, सच बताना, झूठ बिल्कुल मत बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अब दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बसरते समझने की बारी है कि सर आप कैसे समझेंगे, क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे, लॉजिक को कैसे पकड़ेंगे, कि लॉजिक क्या लग रहा है, ये आप लोग की बात है भाई। बताइए कैसे करेंगे, एक बार फटाक से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ भाई लॉजिक तो आप ही लोग को लगाना है, लॉजिक हमें नहीं लगाना है, लॉजिक तो आप ही लोग को लगाना है, बताइएगा। बिल्कुल भाई, कीर्ति सुधा मिश्रा बी ऑप्शन भाई, सिमी सिंह कुशवाहा बी ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है। नवीन शर्मा ठीक, बचो टाइम इज और। अच्छा एक बात बताइए, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है? बात यह है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या दिया है। मिथुन घोष बोल रहे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, क्या हम आपकी बात माने, क्या सी को टिक कर ले, इन्होंने सी बोला है। तो मिथुन भाई एक बात बता रहे हैं, आप बहुत प्यारे बालक हो, हम देख रहे हैं जितने भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन है वास्तव में आप उसका आंसर दे रहे हो। अब मेरी एक बात सुनिएगा, हम कह रहे हैं यहां पे देखो भाई सी बराबर कितना होता है, आप सब लोगों को रटा होगा। अच्छा रटो मत भाई, 19 का जो स्क्वायर होता है ना ये क्या होता है 361 होता है। आपने बोला जी सर, अरे भाई ये तो सबको रटा होगा, स्क्वायर तो रटा होगा ना, 19 का स्क्वायर 361। अच्छा एक बात बताओ यहां पे सी की वैल्यू कितनी होती है 3, एफ की वैल्यू 6, ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बात समझ में आ गई। सर 27 का स्क्वायर होता है 729 और ये देखो 729 बराबर क्या है, आपने बोला जी बराबर 7, बी बराबर, अरे 729 बी बराबर 2 और आई बराबर 9। अब देखो सर 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो आपने बोला बी बराबर 2 होता है, ई बराबर 5 और यहां पे एफ होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है ई है, इसलिए बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि अगर 24 का आप लोग स्क्वायर करोगे तो 576 होगा, ई बराबर 5, जी बराबर 7, एफ बराबर 6 और राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। अब ऐसा तो आप नहीं कहोगे कि नहीं सर इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे शब्द तो नहीं बोलोगे, बताइएगा सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। राजा बाबू सी ऑप्शन ठीक है, रवीश कुमार, दिलीप कुमार, मिथुन घोष बहुत शानदार, कनिष्क भारती, सिमी सिंह कुशवाहा ठीक, बहुत अच्छा आंसर भाई, कीर्ति सुधा, राजा बाबू। जल्दी से बताना होगा आप लोगों को, जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एक बार तो सही जवाब दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों टाइम इज और, अब मेरी बात सुनिएगा, लॉजिक ये लग रहा है कि अगर हम इसका आधा कर दे, सुनिए भाई 26 है, अगर इसका हाफ कर दे तो कितना आएगा 13
और 13 में 3 जोड़ देंगे। अरे भाई हम ये कह रहे हैं अगर इसका आधा करोगे ना, आधा करोगे तो आ जाएगा 13 और 3 जोड़ दो तो 16। सर इसका आधा कर दोगे तो आ जाएगा 8 और 3 जोड़ दो तो 11। तो अब एक बात बताइए, अगर आप 36 का हाफ करोगे तो 18, 18 3 21, ये गलत हो गया। सर 16 में 3 जोड़ोगे 19, गलत। 18 9 में 3 जोड़ेंगे इतना आएगा 12 और 6, ये भी गड़बड़। अब देखो भाई 54 का हाफ होता है 27, 27 होता है, 27 में 3 जोड़ोगे 30, 15 का हाफ हो सॉरी 30 का हाफ होता है 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे 18। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देना होगा इस क्वेश्चन का जवाब। आप लोग स्वयं बताइए कि सर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जो ये क्वेश्चंस फिगर हैं, जो ये आप लोग का यहां पे ये पूछा गया है कि बताओ यहां पे कौन सी आकृति आएगी, क्वेश्चन मार्क है, बोलो कौन सी आकृति आएगी, और ये आप लोग को बताना होगा। ये हम नहीं बताएंगे, ये आप हमें बताएंगे। हाँ भाई सभी स्टूडेंट एक बार बता दें क्या आंसर आएगा यहां पे, एक बार जल्दी से आप लोग को आंसर बताना होगा और सही वाला जवाब बताना होगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा मेरी एक छोटी सी बात सुनिएगा, यहां पे जो लॉजिक लग रहा है ना, आप सब लोगों को पता है सर ये तो सेम है, तो डायग्राम भी यहां पे कैसा बनेगा? आपने बोला सर ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अरे डायरेक्ट क्यों बना रहे हो? सर ये ऐसे आएगा, ठीक है, और जिस प्रकार से यहां पे ऐसे किया गया है सेम उसी कंडीशन में क्या बनेगा, हम लोग की एक लाइन जाएगी। तो सर देखो भाई ये जो डायग्राम ये बीच वाला बना है वो किस कंडीशन में, यहां पर हम लोग बना देंगे। तो अब देखना है क्या ये होगा, कभी नहीं। क्या ये होगा, कभी नहीं। क्या अधूरा डायग्राम, नहीं सर, केवल ऑप्शन नंबर बी, और टू का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बोला, बस इतना बता दे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बोला है? तो बहुत शानदार, गजब और लाजवाब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो नहीं कहोगे सर हम इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। देखो भाई इसीलिए हर चैप्टर जो भी आप लोग का सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन आप लोग के भी हम सेट में लाते हैं। तो अब देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर और बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 30 सेकंड, वैसे 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये, ओनली और ओनली ये केवल और केवल सर आप लोग के लिए 20 सेकंड का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम आपको 30 सेकंड देते हैं। टाइम इज ओवर। अच्छा एक बात सुनिएगा, बड़े गौर से समझिए, क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं भाई यहां पे? 14 अगस्त ही आना चाहिए, 14 अगस्त ही यहां पे कजिन सिस्टर आ रहा है। अच्छा ठीक है, और बताइए। मिथुन घोष, बहुत बढ़िया शानदार आंसर दिया गया है, बहुत शानदार आंसर। अब देखिएगा भाई यहां पे बी ऑप्शन बहुत अच्छी बात है, यहां पे उत्तम बी ऑप्शन बहुत अच्छी बात है। सर नहीं फुफेरी उफेरी कुछ नहीं, मेरी बात तो सुनो, हमारी बात सुनिएगा तब हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे। देखो क्वेश्चन ये है ना, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनैना ने कहा, सुनैना क्या बोलती है सुनिएगा, बिना पेन के सॉल्व करवा देंगे और आपको आ जाएगा। वह मेरी दादी की, बस इस लाइन को सुनो, सुनैना बोलती है कि वह मेरी दादी की इकलौती संतान। अच्छा दादी, मेरी दादी की इकलौती संतान, नानी अलग, अगर नानी बोलेंगे तो बेटी की बेटी होगी, दादी बोल रही है तो सर पापा, यानी पापा पच की है। तो सुनिए क्या बोला गया है, वह मेरी दादी की, दादी मतलब दादी के इकलौते संतान। तो दादी तभी होंगे जब दादा का, भाई दादी की, दादी दादी का एक लड़का होगा, अरे वह मेरी दादी की, दादी यानी इकलौती संतान, इकलौती का मतलब लड़का ही होंगे तभी ये दादी बोल रही है। ये जो है ना, वह मेरी दादी की इकलौती बेटी, इकलौती सॉरी इकलौती इकलौती संतान, और संतान का मतलब बेटा होगा तभी वो दादी बोल रही है, इकलौती संतान की बेटे की इकलौती बेटी है। कैसी बेटी है? इकलौती। मेरी बात सुन लो, ये कहा जा रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनैना कहती है कि वह मेरी दादी की इकलौती संतान, यानी इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, एक मेरी दादी के इकलौते बेटे की, मेरी दादी के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। यानी वो किसकी बात कर रही है? स्वयं की बात कर रही है, सेल्फ की बात कर रही है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आना चाहिए, यह फैसला आप लोग लेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा या डी होगा।
एक बार जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ये आप लोगों को तय करना होगा। केवल 30 सेकेंड। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी अच्छा जवाब आ रहा है आप लोग का, सभी बच्चों का बहुत बिंदास आंसर आ रहा है भाई, टाइम इज ओवर। अच्छा मेरी एक छोटी सी बात सुनिएगा, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग भाई यहाँ पे, रवीश कुमार, अच्छा सेल्फ, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया है। अगर बच्चों आप एक बात बताओ, अगर हम ऐसे देखें 9-3 कुछ नहीं, यानी ऐसे ही सॉल्व होगा, अगर हम बात करें 3-3 और 6, अच्छा बताओ 3-3 से 26 कैसे बनाओगे, 3-3 का 9, कुछ लॉजिक चल रहा है, नहीं बोलो भाई क्या आंसर दे रहे हो, कुछ तो बता दो सर हमारा ये आंसर होगा, बता दीजिए, बोल दो आंसर क्या है भाई, नहीं बताओगे, चलो हम ही बता रहे, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो 3-3 6, और 6 में अपनी तरफ से 20 जोड़ दो तो कितना आएगा, आपने बोला 26, क्या वो लॉजिक इसमें काम करेगा, देख लेते हैं। 9-3 12 और अपनी तरफ से 12 में अगर 20 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 32। क्या कह रहे हैं इस बात को सुनो, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1 8 होगा, और 8 में अगर 20 जोड़ देंगे अपनी तरफ से तो कितना आएगा, 28 आएगा, तो 28 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोग भी ऑप्शन नंबर बी को टिक करें, बस इतना बता दो क्या, बहुत सही भाई सभी बच्चों का 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या इसमें गलती करोगे, बोलो भाई क्या गलती करेंगे आप लोग, नहीं तो एक काम कीजिएगा, केवल और केवल ये 10 सेकंड के लिए होना चाहिए, 20 सेकंड का भी समय नहीं देंगे, केवल 10 सेकंड का देंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और केवल 10 सेकंड, बताइएगा आंसर क्या आ रहा है, एक बार फटाक से आंसर दे दो भाई। सिमी सिंह कुशवाहा ने बी ऑप्शन दिया, यहां पे पूजा गुप्ता 28, बहुत अच्छा आंसर दिया भाई विजय सागर, बहुत शानदार, रचित राजपूत बहुत शानदार, गजब लाजवाब आप लोग दे रहे हैं। अच्छा इसका आंसर दे दो भाई, ऑप्शन नंबर है, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों, सुनिएगा इसका। अच्छा जितने भी पिता होते हैं, होते तो पुत्र है ना किसी के पुत्र होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी पुत्र पिता हो, अरे बहुत सारे लड़के शादी नहीं करते हैं तो पिता थोड़ी होंगे, लेकिन जितने पिता होंगे वो सब पुत्र होंगे, और ये सभी क्या होंगे, पुरुष होंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इस बात को ध्यान कर लेना, बैठा लेना दिमाग में। अब आना है अगले क्वेश्चन पे, वाह क्या मजेदार वाला क्वेश्चन आया है, बिल्कुल बिंदास वाला क्वेश्चन आया है, अब कहोगे ओ माय गॉड कैसे करेंगे इसको, करना तो आप लोग को ही है, अरे करना तो आप लोग को ही है ना, बताओ कैसे करोगे, ये क्वेश्चन तो आप ही लोगों को करना है। हाँ बिल्कुल, हम साइड हो जा रहे हैं भाई, बिल्कुल साइड हो गए, कीजिए आप लोग, अब ये नहीं कहेंगे कि नहीं सर हम ये कर नहीं पाएंगे, ये करना आप लोगों है, बिंदास वाला क्वेश्चन है, ठीक बिल्कुल बढ़िया वाला क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं जहर, जहरीला क्वेश्चन है, कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बता दो भाई ऑप्शन। अच्छा देखो भाई बहुत सारे बच्चे काफी लेट में आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, यानी आप लोग के कितने सारे क्वेश्चन चले गए उसके बाद आप लोग आ रहे हैं। बच्चों एक बात बता दीजिएगा, लेकिन एक चीज, कल हमने आप लोग से एक वादा किया था कि बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, तो आज के सभी क्वेश्चन बेहतरीन है। सर एक काम कीजिएगा, आप लोग पूरी स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा, बहुत बेहतरीन वाले क्वेश्चन है। बच्चों एक बात समझिएगा, हम बोल के आ रहे हैं यहां पे, देखो भाई जी बराबर, अच्छा कितने बच्चे हैं जो इस जहरीले क्वेश्चन का आंसर जहरीला दे रहे हैं, बता दो भाई कितने ऐसे बच्चे हैं, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए, अरे भाई ए ऑप दे रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा, अरे थोड़ी सी बात सुन लो भाई, हम कह रहे हैं ये बताओ भाई 9 होता, आपने बोला जी सर आई सॉरी जी बराबर 7 होता है और आई बराबर 9 होता है, यहां पे तो 4 है, ठीक बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है, अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई कर दे तो 9 7 63 और 1 जोड़ दे तो आ जाएगा 64, और 64 भाई ये बताओ 4 का क्यूब कितना होता है 64, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि सर ये 19 होता है और ये 18 होता है, अगर इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये आएगा 342, और अपनी तरफ से 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 343, और 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट M बराबर होता है 13 और B बराबर होता है 2, 13 2 26 और 1 27, और 27 किसका क्यूब होगा, तो बोलोगे सर ये 3 का क्यूब होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, और 3 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C,
तो क्या आप सभी ने यही आंसर दिया है? बहुत शानदार, गजब आंसर। तीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जवाब आप लोग को देना होगा। तो ऐसा नहीं भाई, देखिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप लोग के जो सिलॉक्स हैं या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, दिमाग में गांठ बैठा लीजिए, सर ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आप लोग में, इसलिए इन क्वेश्चनों से भागना बिल्कुल नहीं, इसको भाई जमकर आप लोग कीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, एक बार सभी स्टूडेंटों को इस क्वेश्चन का बिल्कुल बढ़िया वाला आंसर देना होगा। स्टार्ट करो भाई और जल्दी से दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। नहीं बताना तो आप ही लोग को है ना, आंसर क्या आएगा। शिमी सिंह बहुत अच्छा आंसर भाई, कुणाल देवगन बहुत अच्छी बात है, नवीन प्रिया दौली भी काफी लेट में, गौरव कुमार भी काफी लेट में आए हैं, कीर्ति सुधा मिश्रा बहुत शानदार भाई। चलो भाई सभी बच्चे बताएंगे। अब देखो भाई मेरी बात छोटी सी क्या कही जा रही, कुछ लिफाफे गब है मेरे प्यारे साथियों, कुछ लिफाफे क्या है, तो कुछ जो लिफाफे है ना, अरे हमने क्या लिख दिया, कुछ फिफाफे, सॉरी कुछ लिफाफे क्या है, तो आपने बोला सर यहाँ पे कुछ एल यानी लिफाफे है, कुछ लिफाफे गम है, बहुत अच्छी बात है, कुछ गम क्या है, सील है, और कुछ सील क्या है, एडहेसिव है। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा, सुनिएगा, कुछ लिफाफे सील है, कुछ लिफाफे सील है भाई, ये तो डाउटफुल है ना, क्योंकि इसमें डाउटफुल है सर, यानी कि ये हमारा होगा नहीं। कुछ गम एडहेसिव है, कुछ गम क्या एडहेसिव है, सर ये भी डाउटफुल है। अब बताओ कुछ एडहेसिव सील है, क्या ये बात सही है, कुछ एडहेसिव किस में आ रहे हैं, सील में आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे कुछ एडहेसिव गम है, सर ये भी हमारा डाउटफुल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी केवल और केवल ऑप्शन नंबर तीन, और तीन का मतलब ओनली यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोग भी वही आंसर दे रहे हैं जो हम बता रहे हैं, बस इतना बता दो भाई, ओनली थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आ गया बेहतरीन क्वेश्चन, बताओ भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। एक बार सभी बच्चे बिल्कुल मन से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि सर इस क्वेश्चन का जवाब आंसर, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। टाइमिंग हम आप लोगों को दे रहे हैं कितना, तो टाइमिंग रहेगा 30 सेकंड, और इस 30 सेकंड में आप लोगों को जवाब देना होगा। और एक छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा सर, स्टार्टिंग से आप लोग क्लास में आइए, बहुत बेहतरीन और मजेदार सेशन चलेगा, ये आप लोग की जिम्मेदारी, बहुत लेट में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 होने जा रहा है, इसके बावजूद बहुत कम स्टूडेंट भाई, बताइए ऐसा क्यों, काफी लेट में आ रहे हैं, बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 13 कैसे आ रहा है, करो भाई सभी बच्चे, कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, बस इतना बता दे भाई, 51 बहुत राइट भाई, बिल्कुल ही शानदार, नवीन कुमार बोल रहे हैं ऑप्शन सबका भाई, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 होगा, 5 घटा दो 13 आएगा, क्या हम कह रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8 × 4 = 32 होगा, 5 घटा दो 27 आएगा, तो अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 56 आएगा, 5 घटा देंगे तो ये 51 आएगा, और 51 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, और डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरे वाह कितनी अच्छी बात है सर, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इस क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि सर इसको देखकर छोड़ देंगे। ये बताइए आपसे कहा गया है कि जो ये आप लोग इतने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन एक सार्थक क्रम होगा, ठीक है बताओ भाई, जल्दी से करना होगा, बेहतरीन वाला आंसर देना होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, प्रिया दौली, सुशील कुमार, जियाउल हक, बहुत अच्छी बात है सर, अच्छा योगेश सर के क्लास में थे, कोई नहीं भाई, अच्छा वहीं से आप लोग लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, बस ये है कि एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग देख लेंगे इसको, टाइम इज ओवर। अच्छा एक बात बताइए आप लोग इसका आंसर क्या दे रहे हो, अच्छा पहले वाले का आंसर दे रहे हो, इसका आंसर नहीं दोगे, मेरी एक बात सुनिएगा, सबसे पहले आप लोग का क्या आएगा, पैर, आपने बोला सर पैर, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले पैर आ गया, आपने पैर लिख दिया, पैर के ऊपर ये घुटने होते हैं ना, तो आपने बोला सर ये सी यानी घुटना हो गया। अच्छा देखो घुटने के बाद क्या होगा, तो सर घुटने के बाद जो आती है हमारी क्या आती है, कमर, 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 तो कमर आपने ले लिया। अच्छा कमर के बाद क्या आ जाएगा, तो आपने घुटना ले लिया कमर, अच्छा देखो कमर के बाद आप लोग का पेट आएगा, आपने पेट ले लिया, पेट के बाद क्या आएगा, सीना आएगा, आपने सीना ले लिया, सीने के ऊपर क्या आएगा, तो सीने के ऊपर गर्दन आएगी, आपने गर्दन ले लिया। देखो ये कहीं आंसर मैच कर रहा है, सबसे पहले भाई बी है तो ये तो होगा नहीं, डी, अरे एक लौता ही बी ऑप्शन है, बी सी ई ए एफ डी, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बात बताइए क्या आप लोग भी यही आंसर दे रहे हैं जो हमने दिया है, बस इतना बता दीजिए, तो सर 20 का होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करो और जवाब दीजिएगा। टाइम स्टार्ट। ठीक है, सभी बच्चों को बड़े इत्मीनान से इस क्वेश्चन को देखना होगा और 30 सेकंड में बिल्कुल बढ़िया वाला आंसर देना होगा। रियलिटी बोल रहे, थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल ही बढ़िया वाला आंसर देना होगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का बढ़िया वाला आंसर देंगे। पूजा गुप्ता है, प्रिया दौली है, विजय है, बहुत अच्छी बात है। सिमी सिंह कुशवाहा है भाई, कीर्ति सुधा मिश्रा बहुत अच्छा आंसर, जियाउल हक बहुत बढ़िया आंसर। अब दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, देखो लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक पकड़िएगा और आंसर दीजिएगा भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 20 पहले का, ठीक, कोई नहीं भाई, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। टाइम तो हमने बहुत दे दिया, टाइम बहुत दे दिया और आप लोग को आंसर देना होगा। यहाँ पे सुधा मिश्रा ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। चलो लॉजिक आप लोग समझ रहे हो क्या, आप लोग लॉजिक समझ रहे हो। देखो ये 361 है और कितने का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। मेरी एक बात सुनो, इन दोनों को जोड़ दो आ गया 10। यस सर, इन दोनों को जोड़ दो, 6 3 9 और 10 9 होता है 19 और 19 का स्क्वायर 361। अरे वाह सर, कौन सा लॉजिक लगा रहे हो भाई। हमने कहा कि अगर हम इसको जोड़ेंगे 9 और 9 2 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ये तो होगा नहीं। 5 और 9 कितना होगा 14 और 14 का स्क्वायर सर 196 होता है, ये होगा नहीं। 9 और 3 12, अरे जोड़ दो तो 8 1 9 और 9 3 12 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा हमारे प्यारे बच्चों। तो कितने बच्चों ने डी आंसर दिया है, सॉरी कितने बच्चों ने सी दिया है, बहुत शानदार जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन देख के आप लोग क्या आंसर देना पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है और आप ये बताइएगा 22 का क्या आंसर होगा, ये आप ही लोग को देखना और आप लोग को जवाब देना होगा। 30 सेकंड टाइम स्टार्ट होता है और फटाक से आप लोग आंसर बताइए क्या आना चाहिए इसका आंसर। बोलो भाई क्या होगा इसका आंसर। टाइम कुछ ज्यादा हो गया भाई, बताओ सभी बच्चों को भाई इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एक बात बताएगा, कितने ऐसे स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन का बेहतरीन वाला आंसर देंगे। गौरव कुमार ए आ रहा है, देखें भाई क्या हो रहा है। अगर हम एक बात करें भाई, यहां पे जो है ये बी बराबर 2 हो गया, ठीक है भाई। अगर हम देखें इस क्वेश्चन का जवाब तो क्या आना चाहिए, एक बार जल्दी से देखिए सभी बच्चे, सभी छात्र एक बार जल्दी से आंसर देते हैं भाई। आपने बोला सर बी बराबर 2 होता है, कोई नहीं, डी बराबर 24 होता है। अच्छा एक बात बताओ, 24 यहां 72 होगा ना भाई, अरे 24 यहां कितना होगा 72। सी बराबर 3 होगा, जी बराबर 7 होगा और इसका 3 गुना करोगे तो 3 3 9 27 121 111 और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्या आप लोगों ने ये जवाब दिया है, बस इतना बता दो। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन ए 111, बहुत अच्छा आंसर दिया। अब बच्चों देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार सभी बच्चे केवल और केवल 10 सेकंड के भीतर इस क्वेश्चन का बढ़िया सा जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद बस 2 क्वेश्चन बचेंगे, 24 और 25, लेकिन उससे पहले देना होगा इस क्वेश्चन का बढ़िया वाला आंसर। बहुत अच्छी बात है भाई, कुणाल देवगन, प्रिया दौली, रवीश कुमार, जियाउल हक, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। गजब, यहां पे है बागेश्वर, कौन है, बिंदेश्वरी, बहुत अच्छी बात है भाई, ऑप्शन नंबर बी, बहुत शानदार। गजब मेरे प्यारे साथियों, टाइम इज ओवर। अच्छा एक बात बताओ, आंसर क्या दे रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ बच्चे दे रहे हैं, आई से आई कैंसिल, यस सर। अरे देखो भाई, सब में आई है ना, तो आई कैंसिल हो गया, एक बार बोल दो, आपने बोला जी सर कैंसिल हो गया। अच्छा बताओ कुछ कॉमन है, नहीं सर, ये बताओ, ये तो आई से आई पूरा कैंसिल हो गया भाई। देखो एन पहले की एम पहले, सर पहले होगा एम, तो एम एम को देखो भाई, एम के बाद 16 बाद में आता है, एम से पहले 13 आता, तो 1 हो गया, 3 हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा देखो भाई, इसके बाद ये दोनों कैंसिल हो गया, अब एनडी है, एनटी है, एनवी है, तो डी पहले आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद आप लोग का वी आएगा। अरे टी का मतलब क्या हो जाएगा 4, और 13 245 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी स्टूडेंटों ने ऑप्शन नंबर ए दिया, बिल्कुल शानदार गजब का आंसर। अब चलना होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बताइएगा, ये रहा आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी है और इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। हम जानते हैं कि कुछ बच्चे बहुत सारे गलत आंसर देंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का गलत जवाब देंगे, तो गलतियां बिल्कुल कीजिएगा नहीं, बहुत बढ़िया वाला आंसर देना होगा।
पूजा गुप्ता ए ऑप्शन दी थी भाई, शोविक वन, कुणाल देवगन, प्रिया दौली, बहुत सही अच्छी बात है, 13,245 ऑप्शन नंबर ए, सिमी सिंह कुशवाहा 23A। आप देना होगा इस क्वेश्चन का जवाब, बताइएगा। सर टाइम नहीं दिए। अच्छा टाइम नहीं दिए, कोई नहीं भाई, लास्ट के क्वेश्चन है, करो भाई विदाउट टाइम कीजिए, बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सर एक बात पूछना है आपसे, रोज किस टाइम क्लास चलाते हैं? सर डेली 8 से हमारी क्लास होती है। इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया 23। अरे प्यारे बच्चों, जियाउल हक भाई अल्फाबेटिकल क्वेश्चन था, यहां पे 28। अरे वाह क्या बात है, कुछ बच्चे बोल रहे 28। जियाउल हक भाई ये क्वेश्चन अल्फाबेटिकल था, फिर से एक बार वीडियो देख लेना भाई, इस क्वेश्चन समझ में नहीं, रिप्लाई 23। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ बच्चे बोल, अरे वाह नवीन कुमार बोल रहे 24 28, क्या बात है भाई, कंफ्यूज कर रहे हो, 24 या 28 में से एक होगा, एक ये ट्रायंगल, दूसरा ये हो गया ना, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा ये आठवा ये, अच्छा ये तीन तीन इसमें, तो भाई ये बताओ 8 6 14 हुए कि नहीं हुए? अरे हम ये समझा रहे, सुनिएगा, आपको ये बता रहे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12, ये 12 और 6 कितने होंगे 18। अब 18 के बाद देखिए भाई क्या आएगा, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20 और बाहर वाले 21 ये 22 ये 23 ये 24 ये, और एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा 24, ना तो एक कम ना तो एक ज्यादा। तो कितने बच्चों ने 24 दिया है, बहुत शानदार, जिन बच्चों ने 24 दिया है अब दीजिए। ये रहा आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सिंपल है, जिसको भाई मान लीजिए बहुत इजी है, इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, तो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से आंसर देना होगा, केवल 10 सेकंड, अरे हमने तो ज्यादा ही दे दिया आप लोगों, ये केवल 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। अब जवाब दो आंसर क्या आएगा, ठीक है भाई। अच्छा सुनिएगा, इनमें सबसे अलग क्या होगा, यहां पे सिमी सिंह कुशवाहा बोल रहे सर सी, ठीक है भाई। अच्छा पहले का क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मिथुन घोष बोल रहे ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक बात बताओ, कितने ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल कितने हैं सर इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल हैं इसमें, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल, 1 2 3 4, सब में 5 ट्रायंगल, इसमें 4 ट्रायंगल, तो सबसे अलग क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और आज का सेशन यही समाप्त होगा, हमारे प्यारे साथियों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है डेली टाइम पे आ जाएं, क्योंकि जो आप लोग क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग का जो इंटरेस्टिंग होता है बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग से लास्ट तक का जो क्लास लेते हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्लास बन जाती है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे तो हमारे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे बच्चों, कि आप लोग जो ये हम सीड करा रहे हैं, ठीक है एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है कि आप चलो भाई जो भी बच्चे हैं, जो पॉइंट ये है कि डेली आप लोग भाई क्वेश्चन नंबर एनी 8 बजे हाजिर हो जाओगे, और जब तक क्लास चलेगी बड़े बिंदास तरीके से आप लोग आंसर देंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे सेम टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें।